आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाएंगे ये चार खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी बनेगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पर खास चेन्नई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी आईपीएल 2023 के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन चार खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से चैंपियन बना सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है दीपक चाहर का। दीपक चाहर आईपीएल 2022 में नहीं खेले थे। उनके ना खेलने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की तेज गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही थी। आईपीएल 2023 में दीपक चाहर की वापसी होगी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जब से वो चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं, लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल से उनका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी लाजवाब रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। डेवन कॉनवे का रिकॉर्ड काफी शानदार है। डेवन कॉनवे ने अभी तक 32 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनका औसत लगभग 50 के करीब है। आईपीएल में भी उन्होंने 7 मुकाबले खेले, जहां पर उन्होंने 42 की औसत से 252 रन बनाए हैं। डेवन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होंगे। इस लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम है महीश तीक्षणा का। महीश तीक्षणा श्रीलंका के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। T20 रैंकिंग में उनका स्थान 9वां है। आपको बता दें, पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने काफी शानदार स्पिन गेंदबाजी की थी। चेपॉक के मैदान पर महीश तीक्षणा खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 में खिताब जीत सकती है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।